हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं मापसा मार्केट और ये बहुत ही गर्मी है। एंड अभी हम लोग बिफोर गोइंग टू मुंबई तो हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। आई वांट टू सी सम लोकल थिंग्स, तो देखते हैं अभी क्या क्या मिले हैं हमें और क्या क्या मिलते हैं। बनी रही है मेरे ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप लाल कलर का ये दिख रहे हो, ये कोकम है। कोकम जो है कोंकण एरिया में बहुत ही फेमस है, ये तो आप सभी को पता है फसान। और कुछ ये वीकली शॉपिंग की सब्जियाँ, लेकिन आपके ऑर्गेनिक है जो घर पे बनती है। ये सारे फ्रूट्स, ये इसे करंदा कहते हैं जो अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सारी मैंने चीज़ें देखी है, फ्लावर की सीड्स या सब्जियों की सीड्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। जबकि मुंबई में हमारे बैल्कनी में इतने स्पेस नहीं थी तो मैंने इतने दिए नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, सब्जियों से फ्लावर से लेकर सारे चीज़ें के सीड्स मिल जाएगी इस पर्टिकुलर शॉप में। यहाँ पे जैसे कि गर्मियाँ हैं तो गर्मी के कॉटन के कपड़े बहुत ही ज़रूरत है, और गोवा बहुत ही गर्मी है तो मैंने कुछ कपड़े भी देखे। ये कॉटन कपड़े बहुत ही अच्छे लगे मुझे, लेकिन मैंने दिए नहीं क्योंकि जस्ट टू कलरफुल, तो मैंने इसको लिए नहीं। बस मैं देख रही थी मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं। कटहल, ये नारियल और ये सारे फ्लावर शॉप्स जो आप फ्लावर किलो के भाव में खरीद सकते हो। और हम लोग अभी आगे के लिए निकले। ये सब है आपको कोकम जूस, इमली और ये सब आपको नारियल के तेल, और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली फ्राइडे मार्केट में, क्योंकि फ्राइडे के बिना अगर आप जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें कम ही देखने को मिलेंगे। और ये सारे ऑर्गेनिक घर से चीज़ें लाए हुए हैं। तो कपड़े, ड्राई फिश, मैंने गोवा में नोटिस किए ड्राई फिश के शॉप बहुत सारे हैं, लाइक स्पेशली फ्राइडे मार्केट में तो मैंने बहुत ही देखे हैं। और ये सारे फ्रूट्स, ये सब आपके सारे लेडीज प्रोडक्ट है, जैसे चेन, माला और सब। किसी के देख सकते हो बहुत सारे ड्राई फिश है, मतलब लाइक कोंकण एरिया होने की वजह से तो बहुत सारे आपको ड्राई फिश अवेलेबल है वहाँ पे। यहाँ पे कपड़े वगैरह सब मिल गए। और ये सारे फ्लावर्स, ये तो घर की कुछ चीजें। ये सारे चप्पल, जूते, उसमें बहुत सारे थे। भीड़ बहुत थी और गर्मी इतनी है कि पूछो मत। पर एक चीज़ है, गोवा की जो गर्मी है लेकिन वो बहुत है ड्राई गर्मी है, जहाँ पे आपको पसीना थोड़ा कम ही होते हैं कंपेयर टू मुंबई। मुंबई में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और हम लोग गए यहाँ पे लोकल ब्रेकफास्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे खाए पैटिस, चिकन पैटिस, बीफ पैटिस थे, यहाँ पे क्रोकेस थे, फिर चिकन बन, और ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके ट्राई किया। समोसे भी थे, कीमा समोसा एंड यहाँ से पैटिस भी थे, तो हमने उसमें ट्राई किए फिर निकल पड़े। और ये सारे गोटा मसाला, जो यहाँ पे आप गोटा मसाला खरीद सकते हो, आपको यहाँ पे सारे चीज़ें मिल जाएगी जो आपको ज़रूरत है। ये है गोवन लोकल चिली, जो कि लोकल के कहना है कि ये बहुत स्पाइसी है, एंड आई लव टू ट्राई इट स्पाइसी बिकॉज आई लव स्पाइसी फूड। सेवैया, और ये सारे अगर के स्टोन्स भी थे जो आप अगरबत्ती के साथ चला सकते हो। तो यहाँ से मैं आगे निकली और
ये कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी गोटा मिर्च मुझे यहाँ पे कम भाव में मिले कंपेयर टू मुंबई, तो मैंने वहाँ से कुछ अपने लिए उठा लिए थे और साथ में मैंने गोवन लोकल चिली भी उठा लिए क्योंकि मुझे ये ट्राई करनी थी, जैसे कि लोगों ने कहा कि स्पाइसी है तो आई लव्ड इट। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे शॉप पे और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मस्त वाली मिली जो मुझे हमेशा से चाहिए थी, मतलब मुझे अपने यहाँ पे मुंबई के लिए चाहिए थी। बींग नॉर्थ ईस्टर्न मीन्स यू लव्ड इट, मेरे को ये दाव मिले और दाव के जो प्राइस सुनकर मैं एकदम खुश हो गई। दैट वॉज पहले तो उन्होंने लेडी ने कहा कि 300, फिर बाद में मुझे बार्गेनिंग करने के बाद 250 में मुझे मिल गई एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर दैट। अभी हम लोग अंदर की तरफ मार्केट की तरफ जा रहे हैं जो एकदम मेन लोकल है, जो चीज़ लोकल चीज़ें मिलती हैं, तो मैं बस जा रही हूँ अंदर। यहाँ पे आपको सारा चीज़ें जैसे बोलते हैं ना ये ऐश क्लाउड, फिर बाद में आपको चीज़ें लोकल चीज़ें पिकल्स वगैरह सभी यहाँ पे इस जगह पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, इतनी बड़ी नींबू मैंने कभी नहीं देखी। एंड हम लोगों ने इसमें लाइक ना इतना नींबू मैंने बड़े तो मैंने इतने देखे नहीं है, लेकिन उसकी स्मेल जो बहुत अच्छी थी एंड मुझे अच्छी लगी, तो हम लोगों ने बस स्मेल करके देखे उसको। फिर हम आगे की तरफ निकल गए जिससे जो पेठा बनते हैं या मुरब्बा बोलते हैं, और ये गोवन लोकल जगरी है, पम जगरी, उसमें से जो गोवन मिठाई बनाया जाता है, तो हमने ये भी कुछ खरीदे। और ये है गोवन लोकल ब्रेड जो वहाँ के लोग खाते हैं, और ये सारे ब्रेड जो लोकल है तो इसे कहते हैं पुई। पुई जो है बटर के साथ मस्त जाते हैं, ये रिंग की तरह भी बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक इफ यू पुट बटर एंड पुई और डिप इन हॉट टी, मस्त, आई लव्ड इट, मैंने तो ट्राई किया। और ये पाव, तो ये बेकरी सेक्शन ड्यूरिंग क्रिसमस तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो मुझे याद है बहुत ज़्यादा भीड़, तो इसके बाद हम निकल के आए और इस लेडी की शॉप में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप गोवन आए हो तो मतलब गोवन काजू तो बनती है यहाँ पे, काजू तो बहुत ही फेमस है, और यहाँ से भी हमने कुछ काजू वगैरह ले लिए हैं। और यहाँ पे कुछ लोकल ड्रिंक्स, कोकम शरबत वगैरह थी, तो आजू बाजू हमने सब कुछ देखा जो मुझे पसंद आए। दैट इज़ एक मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेने थे, तो मैंने ऐसे ये चॉकलेट लिए जो थोड़ा यूनिक दिखे और मुझे भी बहुत अच्छे लगे। इसके लिए हमने कुछ घर के लिए भी लिए और कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए भी लिए। गर्मी तो नींबूस। अभी हम जा रहे हैं चोरीस की तरफ, हमें चोरीस भी लेना था। चोरीस जो है, मुझे चोरीस राइस बहुत पसंद है, तो उससे चोरीस लेने के लिए हम लोग गए आगे। और यहाँ पे आपको लोकल राइस वगैरह भी मिल जाएगी, लेकिन लोकल राइस मैंने ट्राई नहीं किए, आई विल डू ट्राई दैट वन, क्योंकि हर जगह की अपनी स्पेशलिटी रहती है। तो ये है चोरेस, चोरेस ये इसको आप चोरेसो भी बोलते हो, पोर्क चोरेसो, आपको बीफ में भी मिलती है, लेकिन इनके पास आपको सब मिल जाएगी अगर आप गोवा में जाते हो तो। अगर आपको उनकी फ़ोन नंबर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दे दूँगी। ये कुछ एंटीक पीस जिनको शौक होती है जमा करने की या फिर रखने की घर पे, वो भी आपको फ्राइडे मार्केट में मिल जाती है, अगर लक हो तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। तो मैं अभी बाज़ार से निकल पड़ी, गर्मी बहुत है अंदर, मेरे हालत देखिए आपको पता चली गए होंगे, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, साथ साथ बेल बटन भी प्रेस कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।